हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइज, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, और ये रीडिंग होने वाली है आपके डेस्टिनी के ऊपर, आपके भाग्य के ऊपर, कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, कि आपकी आने वाली लाइफ में अब क्या चेंजेस हैं, अपकमिंग चेंजेस, और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो कुछ एडवाइजेज या गाइडेंस जो भी होंगी वो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, सो दैट आप उनको फॉलो करें और अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं स्मूथ बना सकें, जो आपको चाहिए वो आपको मिले। ठीक है, तो वे चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जनरल है, सभी के लिए मैं कर रही हूँ, तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले एनर्जी हम चेक करेंगे आपके लिए। ओके, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड अस प्लीज। ठीक है, एनवी, मेमोरीज ऑफ लव, टेम्पटेशन, सफरिंग इन साइलेंस एंड द ट्रुथ। पावर सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करती हूँ पहले। ओके व्यूअर्स, तो फिलहाल मैं अभी आपके सिचुएशन की अगर बात करूँ तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में ना आप कुछ बहुत शिद्दत से पाना चाहते हो, जैसे कि आप पाने तो कुछ और गए थे पर मिला कुछ और समवेयर कहते ना, जैसे कि चुगने गए थे मोती पर चुग लिए कंकर, कुछ ऐसा यहाँ पे हो सकता है। कुछ लोग लिए मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी मिल रही है, कुछ भी ऐसा जिसको आप बस पाना है, आपको पाना है, सिर्फ पाना है और कुछ नहीं, बस लाइफ में चाहिए ये मिल जाए, लाइफ सेटल, कुछ ऐसी मुझे इंटेंशन आपके फ़िलहाल नज़र आ रही है। बट जिसकी तरफ आप अपनी लाइफ में इतना झुकाव महसूस कर रहे हो, जिस भी एनर्जी की तरफ, ठीक है, मैं एनर्जी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सबका अपना अपना एक प्रोस्पेक्टिव है यहाँ पे। कोई अपनी लाइफ को, मे बी अपने करियर को बहुत पीक पे देखना चाहता है, कोई अपना बैंक बैलेंस यहाँ पे बहुत हाई देखना चाहता है, ठीक है, कोई किसी पर्सन को बहुत पाना चाहता है, किसी के लिए प्यार बहुत है। ना कि व्यूअर्स, आपकी लाइफ में मैं फ़िलहाल देख रही हूँ कि जिन चीज़ों को आप पाना चाहते हो अभी आपकी फ़िलहाल उनसे दूरी है, ठीक है, और सम टाइम यू फील लाइक अ जेलस, यू फील लाइक जेलस, ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पर मिलती है कि मे बी आप, आपको ये फील होता है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा, जबकि मैं हर चीज़ ट्राई कर रही हूँ, ये हर चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, हार्ड वर्क भी मैंने किया है, मेहनत भी मैंने करी है, दिलो जान मैंने लगाया है, मतलब मैंने धैर्य भी रखा है उस चीज़ के लिए, हर चीज़ मैंने ट्राई करी है, ठीक है, सालों साल मैंने वेट किया है। ये भी हो सकता है आप लोगों ने ये भी फील किया हो, मतलब आपके अंदर मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर एक गुस्सा भी है, और फिर भी आप कहीं ना कहीं, क्योंकि आप आगे कोई स्टेप नहीं लेना चाहते, लाइन स्विच नहीं करना चाहते, आप कुछ और नहीं करना चाहते, सिर्फ आपको वही चाहिए। और समटाइम आपको ये फील होता है कि मुझ में ऐसी क्या कमी है कि ये मुझे नहीं मिलता, दूसरों को मिल जाती है हर चीज़, ठीक है, मुझे नहीं मिलती, क्या है ऐसा, क्यों भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, क्यों मेरी तकदीर ऐसी है कि, मतलब आप खुद को कोसते हो, अपनी तकदीर को कोसते हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी, फ़िलहाल यू आर वेटिंग फॉर जस्टिस, ठीक है, क्योंकि जितना आपने किया है, जितना आपने हार्डवर्क किया है, जितना आपने धैर्य रखा है,
जितना आपने शिद्दत से चाहा है, मैनिफेस्ट किया है, जो भी किया है किसी को, चाहे प्यार किया हो, चाहे प्यार, देखो प्यार हर तरह का होता है, प्यार में कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो यहाँ पर आप रिटर्न का वेट कर रहे हो अब अपनी लाइफ में, ताकि आपके लिए वो जो आपको चाहिए वो आपको मिले, ठीक है। क्योंकि पास्ट में कहीं ना कहीं आपके पास में, देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास मेमोरीज़ का निकल के आया, बहुत ही लविंग मेमोरीज़ थी आपके पास में, यानी बहुत कुछ अच्छा था आपके पास में पास्ट में, पर प्रेजेंट में यू आर वेटिंग, यू आर सफरिंग, ठीक है, कुछ ऐसा मुझे नज़र आता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर आने वाला फ्यूचर आपका यहाँ पर क्या कहता है। जस्टिस, मे बी आपने व्यूअर्स कुछ ऐसे लोगों के लिए काम किया है जिन, या फिर ऐसे लोगों से आप जुड़े हो जिसको संभालना मे बी नामुमकिन सा था, पर आपने वो चीज़ें करके दिखाई है ना। कभी कभी किसी के सामने ऐसा दे दिया जाता टास्क कि दूसरों के लिए इम्पॉसिबल होता है, फिर वो आपको दे दिया गया कि चलो ठीक है कोई नहीं कर सकता इसको दे दो, मे बी जज करने के लिए, पर आपने लोगों की उम्मीदें मतलब फ़ेल कर दी कि उन्होंने, आपने साबित कर दिया कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप डगमगाए नहीं, आपने बहुत ही हिम्मत से सामना किया है अपनी सिचुएशन का जो भी आपके सामने आई है, ठीक है। और कुछ लोग व्यूवर्स यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी कार्मिक पैटर्न में चल रहे हो, ठीक है, मे बी कोई कार्मिक रिश्ता हो सकता है आपकी लाइफ में, या आप कोई कार्मिक पैटर्न कहते हैं ना, जैसे कि कोई कर्म का फल हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में अभी वो चल रहा है, आप उसको फेस कर रहे हो, और ये बहुत ही पेनफुल समय होता है जब कर्म, देखो मैं ये ज़रूरी नहीं कह रही हूँ कि आप ये चीज़ों में समझो, कर्म सिर्फ इस जन्म के नहीं होते, कर्म आपके पुराने जन्म के होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, कुछ एंसेस्टर्स कर्म होते हैं, ठीक है, कि आपके बड़े बूढ़ों का भी आपके ऊपर आ जाता है। तो कर्माज बहुत ज़्यादा वाइड रोल है उसका, कर्मा को बहुत लिमिटेड लोग सोचते हैं, फिर एंसेस्टर तो एंसेस्टर वो चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती है जब तक आप उसको वियर नहीं करते या उसको ख़त्म नहीं करते हो, तो कुछ ये भी पैटर्न होता है। तो कर्माज आपके ऊपर मुझे थोड़ा सा इम्पोज नज़र आ रहे हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं कुछ पुराने कर्मों का यहाँ पे भुगतान कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, और इसी की वजह से आपकी लाइफ में पहले आपके पास में जितना अच्छा था फिलहाल आपकी लाइफ में नहीं है। ये कुछ आपकी लाइफ में कुछ सालों से में भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में सडन ये हुआ, पहले आपकी लाइफ अच्छी थी जब तक आप, मे बी हो सकता है कि मे बी 20-21 के रहे होंगे तब तक आपकी लाइफ अच्छी रही होगी, उसके बाद में सडन चेंजेस आने शुरू हुए, मतलब सडन ऐसे चेंजेस आए जो अनएक्सपेक्टेड थे आपके लाइफ में, जो आपके पास में था वो भी आपसे छिन गया, और आपको इसीलिए जलन होती है मे बी, कि या फिर जलन वैसे नहीं कहूँगी, या फिर आप अपने आप को जो कम महसूस करते हैं दूसरों से कि उनके पास में इतना है पर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मैं जबकि इतनी मेहनत भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो ये कुछ यहाँ पर मुझे नज़र आता है, ठीक है। तो कार्मिक पैटर्न में आप लोग मुझे फंसे हुए या किसी रिश्ते में फंसे हुए नज़र आते हो फिलहाल, मतलब जिसमें जितना भी आप एफर्ट्स लगाओ ज़ीरो उसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो अभी आप कहीं ना कहीं सब्र का फल चाहते हो अपनी लाइफ में, और इस पैटर्न से निकलना चाहते हो। देखते हैं आने वाला टाइम आपका क्या रहेगा, डेस्टिनी आपको क्या चेंजेस दे रही है, प्लीज़ यूनिवर्स। वैसे अगर देखा जाए यहाँ पर तो ये 3 कार्ड आते हैं और ये दिखाते हैं वर्ल्ड की एनर्जी 7 ऑफ सोर्ड एंड 6 ऑफ सोर्ड के साथ में, ठीक है। मैं इन कार्डों को अलग रख लेती हूँ। टेन ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड एंड द जजमेंट, 3 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल। वही कह रही हूँ आपको, अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, जितना आप कर रहे हो हार्डवर्क उतना नहीं मिल रहा है, जितना आप किसी के लिए करते हो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, या फिर आपको वैल्यू मिलती नहीं है। मे बी परिवार में भी आप किसी के लिए कितना ही कर दो लोग उसकी मतलब कहते ना गर्दानते नहीं है, उसे समझते नहीं है, मे बी कुछ फ़ायदा नहीं होता फिलहाल आपको अपनी लाइफ में किसी के लिए कितना भी करने का। फाइनेंशियली भी आप इस समय मुझे लॉस में नज़र आते हो अपनी लाइफ के अंदर, और इस सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स तो यस डेफिनेटली अभी ये थोड़े टाइम और कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा वर्ल्ड की एनर्जी, यहाँ पर देखा हमने जजमेंट की एनर्जी, ठीक है। तो आपकी लाइफ में व्यूअर्स एक चेंज आएगा, ठीक है, ये चेंज दिखाता है बहुत बड़े मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को,
लाइफ में एक तरह से आपको बाहर निकाल लेना इस कार्मिक पैटर्न से। तो आप सबसे पहले मैं यही कहूँगी, आप कार्मिक पैटर्न से बाहर निकल रहे हो और आपके साथ में एक जस्टिस होता हुआ नज़र आता है। जस्टिस मतलब क्या है कि आपकी जैसे सज़ा माफ़ हो रही है। मैं ये कहूँगी कि आपके चाहे वो आपकी है या फिर आपके ऊपर डाली गई है, ठीक है, जैसे माफ़ी मिल जाती है ना कि चलो ठीक है, टाइम इज़ ओवर, ख़त्म, अब अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ो, ठीक है, आप बर्डन आपका ख़त्म, अब अपनी लाइफ में आप इंजॉय करो, आपकी लाइफ में स्ट्रगल ख़त्म, अब अपनी लाइफ को अब जियो। तो ये कहीं ना कहीं मुझे आपकी लाइफ में एक चेंज नज़र आता है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को रीडिंग अच्छी भी लगेगी या सुनने में ठीक लगेगी या नहीं लगेगी, मुझे इस बात से ज़्यादा फ़र्क ये इस बात पे पड़ता है कि मुझे आप लोगों का जो कार्मिक पैटर्न है वो मुझे एंड होता हुआ नज़र आता है, सो दैट आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के साथ में आगे बढ़ सकें। और जो मैंने बोला कोई कार्मिक कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, तो उससे भी मुझे आप बाहर आते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। कोई कार्मिक कनेक्शन ज़रूर है आपकी लाइफ में जिसमें आप अपने आप को टॉर्चर फील कर रहे हो, जिस लाइक कि कितना बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करने की जो इंतहा होती है ना, आपने उससे ज़्यादा बर्दाश्त किया है। तो वही मैं कह रही हूँ, वो एंड भी हो रहा है, आप उससे बाहर निकल रहे हो। और सेकेंड एनर्जी गाइज हमारे पास आती है डोर टू लव, यानी जो आपको मिलना चाहिए प्यार, जो केयर मिलनी चाहिए, जो प्यार मिलना चाहिए, ठीक है, जो एक फीलिंग होनी चाहिए इमोशनल कनेक्शन की, ठीक है, जो हर कोई एक्सपेक्टेड रहता है अपनी लाइफ के अंदर कि यार जो आपको यहाँ पे देखो दिल टूटा हुआ यहाँ पर है आपका, और आपका मे भी किसी पे विश्वास नहीं रहा होगा क्योंकि आपने जितना लोगों के लिए किया है, लोगों ने आपको मतलब मुसीबत में आके बेसहारा छोड़ा है। आपके साथ में देखो कितनी ट्रेजेडी नज़र आ रही है यहाँ पर, मतलब ऐसे समय पर आके लोगों ने आपको छोड़ा है जहाँ पर कहते ना कोई उम्मीद भी बाकी नहीं रही कि अगर हम इस समय पे आगे हम कुछ नया कर सकें, कुछ नया रीस्टार्ट कर सकें। आपकी हिम्मत टूटी हुई मुझे यहाँ पे नज़र आती है और आप अपनी लाइफ में जो नई जर्नी है उसको बहुत ही दुखी मन से स्टार्ट कर रहे हो मुझे यहाँ पे नज़र आते हो। तो ये व्यूवर्स आपकी जो जर्नी है जो मैंने आपके साथ में देखा, ये जो पैटर्न है आपका, ये अभी थोड़े टाइम और कैरी फॉरवर्ड होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ सडन ये ख़त्म हो रहा है, अभी थोड़ा सा और चलेगा ये, नो डाउट, लेकिन ये ज़रूर है, ये अंत ज़रूर होगा इस कार्मिक पैटर्न का, आपकी लाइफ के जो पेन है उसका, ठीक है। और आपको एक बार फिर से नई लाइफ जीने का मौका यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, तो मौका आपको मिलेगा और आपको जैसे ये कहते हैं ना, अब आपको फिर से एक नई लाइफ ऐसी मिलेगी, लाइफ जहाँ पर खुशियाँ होंगी, जहाँ पर सेलिब्रेशन होगा, जहाँ पर हैप्पीनेस होगी, ठीक है। अभी मैं कुछ और कार्ड्स भी आपके लिए निकाल रही हूँ, सो टिल थोड़ा सा वेट करिएगा। ओके व्यूवर्स, तो मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ मून कार्ड निकाल रही हूँ और कुछ भगवत गीता से कार्ड निकाल रही हूँ, ठीक है। ये जो कार्ड होते हैं भगवत गीता के, आपको पता है ये आपकी लाइफ का ट्रू मार्गदर्शन करते हैं, है ना। जब आप हर जगह से उम्मीद हार जाते हो, तब कहते हैं ना, जब अर्जुन भी हर उम्मीद को हार गए थे, टूट गए थे, वो उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कुछ आगे करने की, तब भगवत गीता का सार उनको राह दिखाता है। तो वैसे ही आपको भी राह दिखाएगा अपनी लाइफ में कि आपको अब अपनी लाइफ में क्या करना है। सो थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, और जो भी मैसेज आए आप उसको अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें। फिलहाल देखते हैं ये यहाँ पे क्या एनर्जी आती है आपके लिए, इन फ्यूचर को लेके मैं ही देख रही हूँ। स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, ओके। तो कुछ लोग ऐसे हैं व्यूवर्स यहाँ पे जो हो सकता है कि हार मान चुके हों, ठीक है, हो सकता है कि आप टूट चुके हों, हो सकता है कि आपने मेहनत करनी छोड़ दी हो, ठीक है। सो, यहाँ पर आपके लिए ये बोला जा रहा है, जिन लोगों ने भी ये किया है अपनी लाइफ में कि आप टूट चुके हो, आपके अंदर हिम्मत नहीं है कुछ नया करने की या फिर कुछ कर दिखाने की, या फिर कहीं ना कहीं अब आपको विश्वास उठता जा रहा है, आपका जो एक लक्ष्य था मे बी किसी जॉब को पाना, जैसे कि कुछ लोग होता है ना, कुछ लोगों का होता है क्या कि गवर्नमेंट जॉब पानी है, लेकिन उसमें लॉट्स ऑफ स्टैम्प के एफर्ट्स के बाद में भी वो जॉब नहीं मिल पाती है, तो क्या होता है, लाइन स्विच कर लेते हैं कि दूसरे ट्रैक पकड़ लेते हैं, ठीक है, बात नहीं बनती है। तो वही मैं कहीं ना कहीं फील कर रही हूँ, जिन लोगों ने भी अपना ट्रैक चेंज किया है या फिर अपनी हिम्मत को लॉस किया है, सो, फिर से हार्डवर्क करो, आगे बढ़ो, स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। जब आप ऐसा करोगे, ऐसा निकलोगे, तो कंक्लूजन जो आपको रिजल्ट चाहिए वो बहुत ही नज़दीक है आपके, ठीक है। हाँ, हार्डवर्क है यहाँ पे,
जब वही मैंने कहा ना भी कार्मिक पैटर्न चलेगा थोड़ा सा, और वही मैं कह रही हूँ हार्ड वर्क है, पर अगर आप अपने विजन को अपने लक्ष्य को होल्ड करके चलते हो तो डेफिनेटली विन, यू विल विन द रेस। ठीक है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, बॉटम से आया है तो आपके मन में जो भी नेगेटिविटी है इस समय वो निकाल दें आप यहाँ पे। ओके सो मैं कार्ड यहाँ से लेती हूँ भगवद गीता से, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पे। सीइंग गॉड, गॉड आपको देख रहे हैं, ठीक है, गॉड आपको देख रहे हैं, वही आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आप उनके लिए मिवर्स यहाँ पे उनके अंदर फेथ बनाए रखो। कुछ लोगों का यहाँ पे फेथ भी टूट रहा है उनसे, सो हैव फेथ। देखो आप वियर कर रहे हो, आप एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, पर जो लोग कहते हैं ना भगवान के लाडले होते हैं उनको रास्ता भी वो खुद दिखाते हैं। ठीक है, उनको देखो आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है चुनौतियाँ आई नहीं हैं और आपने उनका सामना नहीं किया है, आपने उनका सामना करने की हिम्मत आपके अंदर कहाँ से आई, पहले ये बता दो क्या आप इस लायक थे कि आप उन चुनौतियों का सामना कर सको। अगर खुद से पूछोगे तो मुझे तो लगता है नहीं थे आप, लेकिन आपने फिर भी इतनी चुनौतियों का सामना करा ना, तो कैसे करा? वो हिम्मत वो ताकत तो आपको किसने दी? वो गॉड ने दी। आप क्या सच में कुछ कर सकते थे? नहीं। ठीक है, तो गॉड को, गॉड आपको देख रहे हैं, आपको पैम्पर भी कर रहे हैं। ठीक है, जब आप रोते हो ना उनके सामने जाके तो वो देखते हैं आपको। सो ये मत समझना कि गॉड ने आपकी तरफ से आंखें मूंद ली है, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको देख रहे हैं। एनकरेजमेंट, वो आपको एनकरेज करते हैं, देखिए कितना भगवान, माफ़ करिएगा, ये एनर्जी गाइज ये दिखाती है यहाँ पे, ये कहते हैं ना जगत के पालनहार है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, ये आपका पालन करते हैं, आपको जिसकी आपको ज़रूरत होती है संरक्षण प्रदान करते हैं, और आपको वो एनकरेज भी कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, उनके साथ में कनेक्ट हो। ठीक है, और वही आपको इस राह में, इस मुश्किल समय में बाहर निकालेंगे और आपको राह भी दिखाएंगे और आप अपनी लाइफ में वो कर पाएंगे जो आपको करना है, आप वो अचीव भी कर पाएंगे जो आपको करना है। ट्रू लीडर्स, आप एक ट्रू लीडर भी हो, आपको एक ऐसा ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आने वाले समय में आप अपने एक्सपीरियंस से दूसरे लोगों को गाइड करेंगे। ठीक है, तो समवेयर व्यूअर्स यू आर बिकमिंग अ लीडर। अगर मैं देखो लीडर का एनर्जी है कि आप बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, कुछ लोग के लिए हाँ ये भी एनर्जी है कि आपको बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी लाइफ में आने वाले समय में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे दिल जुड़ रहे हैं आपसे, आपके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। और ट्रू लीडर व्यूअर्स, देखो घर का, घर में जो लोग होते हैं ना, यानी घर में एक ऐसा पर्सन बन जाओगे आप जहाँ पर आपकी लोग बात सुनेंगे। ठीक है, आपकी बातों को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, तो ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आता है, तो आपके लिए बहुत ही पावरफुल है व्यूअर्स, आप लोग उनके साथ में मुझे कनेक्टेड नज़र आते हो। तो व्यूअर्स ओवरऑल अगर मैं रीडिंग की बात करूँ तो सम काइंड ऑफ कंक्लूज़न आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ नज़र आता है, आप एक कार्मिक साइकिल से मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, एक नई रीस्टार्ट करते हुए नज़र आते हैं और जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ व्यूअर्स, आपके लिए सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मैं कहूँगी, जितना आपको चाहिए वो आपको मिलेगा और आप इस सिचुएशन से ओवरकम करेंगे। और फिर भी आप लोग जो लोग अभी खफा हैं गॉड से, वही उनके ज़्यादा नज़दीक नज़र आते हैं मुझे तो फ़िलहाल, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, तो उन पे फेथ बनाए रखो। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड अपना ज़रूर शो करना। ठीक है, सो मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।